हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। देखो क्लास, हमने सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था, तो फ्लूइड मतलब क्या समझ लिया था। एंड उस चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट से हमने बोला था कि हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडाइनमिक। तो स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, तो वहां पे हमने क्या देखा था, वाटर कॉलम का प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं या प्रेशर डिफरेंस कैसे, इन डिटेल में देख लिया था। येस और नो, इज दैट क्लियर टू यू? एंड देन हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी देख लिया था। तो लास्ट पॉइंट हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देखा था। तो सिमिलर फैशन में अब हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात करेंगे, बहुत एप्लीकेशन इस थ्योरी का होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हमें क्या क्या कवर करना है, तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज व्हाट बैरोमीटर, सेकंड इज मैनोमीटर, एंड लास्ट पॉइंट है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, दैट इज व्हाट पास्कल लॉ। ओके नो, सो फर्स्ट थ्योरी पार्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज व्हाट बैरोमीटर। अब बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा सुन लो क्लास। एक टॉरिसली नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक बीकर ले लिया और उसमें उसने मर्क्यूरी ली थी। क्या क्या क्या, मर्क्यूरी मींस दिस इज व्हाट एजी। ओके नो, अब मर्क्यूरी आप टेस्ट ट्यूब में या बीकर में रखोगे तो आपको मिनिस्कस कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना, येस और नो क्लास? इट्स अ कॉन्वेक्स, कॉन्केव नहीं दिखता। वाटर लोगे तो कॉन्केव जैसा दिखेगा, बट मर्क्यूरी कॉन्वेक्स जैसा दिखेगा। यह सरफेस टेंशन वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तभी क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। ओके नो, या एक्सपेरिमेंट करके देखो, मर्क्यूरी आपको ऐसे ही दिखेगा, क्लियरिटी। तो उसने इस बीकर में ऑलरेडी मर्क्यूरी फिल किया हुआ था, बाद में 1 मीटर का टेस्ट ट्यूब ले लिया। कितना, 1 मीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर का उसने टेस्ट ट्यूब लिया, टोटली ना उसमें मर्क्यूरी फिल किया हुआ था, एंड उसे इस बीकर में डाउन कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब क्या होगा, देखो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ये मर्क्यूरी नीचे नीचे आना चालू हो जाएगा, येस और नो क्लास? ओके, तो ये नीचे नीचे आके 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 एक पर्टिकुलर हाइट तक नीचे आ गई, ये यहां से बाहर निकलने लगा मर्क्यूरी, येस और नो? बट ये जो एटमोस्फियरिक प्रेशर है, इस लेयर पे जो एटमोस्फियरिक प्रेशर है वो भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये हाइट का जो प्रेशर है वो भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, एंड एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या हो जाएगा, वहां पे स्टॉप हो जाएगा, तो मर्क्यूरी नीचे नीचे आके एग्जैक्टली इस हाइट पे आके रुक गया। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये हाइट को जब टॉरिसिली ने कैलकुलेट किया तो 1 मीटर टोटल था, अब ये हाइट कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर। कितना, 76 सेंटीमीटर। अब ये पहले आके यहां पे रुका कैसे, उसका फंडा देख लो क्लास। ये समझो एक चेंबर है और ये वॉल है जो फ्रीली मूव हो सकती है, ये वॉल फ्रीली मूव हो सकती है। अब यहां पे एक बंदा है और यहां पे एक बंदा है, तो ये एफ ए फोर्स लगा देगा और ये एफ बी फोर्स लगा देगा, येस और नो? तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसके डायरेक्शन में ये वॉल मूव होगा, येस और नो क्लास? बट अगर दोनों ने सेम फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट सेम फोर्स होगा, तो ये जो मूवेबल वॉल है वो एट रेस्ट रहेगा, येस और नो? सो वी कैन कॉल दिस सिचुएशन इज इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जहां पे दोनों साइड से क्या हो रहा है, सेम फोर्स एक्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? अच्छी तरह से समझा? अब देखो सिमिलरली ये जो बाउंड्री लेयर दिख रही है आपको, बाउंड्री लेयर देखो मैंने बहुत ज्यादा डार्क कर दिया आपको दिखने के लिए। सो इस बाउंड्री पे क्या हो रहा है देखो, हाँ क्लास, ये वाटर कॉलम कुछ फोर्स या प्रेशर लगा रहा है एंड ये एटमोस्फियरिक प्रेशर उसको अपोज कर रहा है, येस और नो?
ये फोर्स उसको नीचे नीचे लाने को बोल रहा है बेटा, येस और नो क्लास, और ये फोर्स उसको अपोज कर रहा है, इज दैट क्लियर टू यू? तो इस बाउंड्री पे एग्जैक्टली इस वॉल जैसी सिचुएशन हो गई है, ए जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही बी फोर्स लगा रहा है, इसीलिए वो एट रेस्ट हो गया, येस और नो क्लास। मतलब क्या, दोनों फोर्स इक्वल है, मींस दोनों प्रेशर इक्वल है। अब मैं एक पॉइंट लेता हूं, देखो लास्ट लेक्चर में हमने कंक्लूजन निकाला था, प्रेशर एट सेम लेवल इज ऑलवेज रिमेन्स सेम ओनली। तो देखो क्लास, ये पॉइंट हम बोल देते हैं पॉइंट बी, क्या बोल देंगे इसको, पॉइंट बी, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं पॉइंट ए। तो ये दोनों सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे है तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सो वी कैन इजीली कंक्लूड पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब पी ए क्या है, पी ए है क्या, एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट इज व्हाट पी ओ। तो हम ऐसा बोल सकते दिस इज नथिंग बट पी ओ। एंड पी बी क्या है, तो प्यार से देखो, बिकॉज ऑफ दिस वॉटर कॉलम एंड ये मर्क्यूरी नीचे आने की वजह से यहां पे क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। एंड वैक्यूम का प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज जीरो। तो वैक्यूम का हम प्रेशर एज्यूम करते हैं जीरो, निग्लिजिबल, एकदम निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जीरो। तो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर क्रिएट होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉटर कॉलम होगा, येस और नो क्लास। एंड वॉटर कॉलम का प्रेशर हमने कैसे कंसिडर किया था, एच रो जी, क्या क्या क्या, एच रो, ये कौन सा है लिक्विड, दैट इज वॉट मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का रो डेंसिटी मर्क्यूरी का कंसिडर करना होगा, एंड जी वी नो दैट। सो पी जीरो इज इक्वल टू क्या मिल गया, एच रो जी, वेर रो ऑफ मर्क्यूरी। अब यहां पे देखो क्लास, अगर हमने वैल्यूज पुट किया तो एच का वैल्यू कितना है, 76 सेंटीमीटर। तो 76 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 इंटू रो ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है, 13,600 इंटू जी हम क्या बोल देंगे, 9.81। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर देंगे सो व्हाट वी गेट, 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा प्रेशर। आर यू गेटिंग मी क्लास? इसीलिए हम केमिस्ट्री में देखो ना हर बार बोलते रहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, येस और नो क्लास। तो वो कहाँ से आया ये प्रूफ, अच्छी तरह से मेरे हर एक बच्चे को समझा, अरे हाँ ना तो बोलो, क्लियरिटी। चलो अब देखो क्लास, तो ये बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट टॉरिसिली ने बहुत अच्छी तरह से समझा, एंड वहां से हमें क्या समझ में आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका और एक थोड़ा एक्सटेंशन कर लेते हैं, दैट इज व्हाट मैनोमीटर। देखो कॉन्सेप्ट वही है यार, सब जगह पे कॉन्सेप्ट वही है, एट सेम लेवल सेम प्रेशर होगा, वही कॉन्सेप्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट में यूज करना है, दैट्स इट। अब बैरोमीटर तो हो चुका है, अब मैनोमीटर में देखो क्या करना है। अब मैनोमीटर का एक्चुअली एप्लीकेशन पहले समझ लो। देखो बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल एंड ऑल दोस थिंग, कि जहां पे ना गैस का प्रेशर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, उसका हर बार मेजरमेंट लेना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली कंट्रोल करना चाहिए, येस और नो, अदरवाइज वो बस्ट हो सकता है, हार्मफुल है वो। सो गैस चेंबर है तो उसका मुझे अगर प्रेशर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका एप्लीकेशन है मैनोमीटर। अब देखो क्लास, इस गैस चेंबर को मैंने यूट्यूब मैनोमीटर जैसा लगा दिया, येस और नो। अब इस ट्यूब में कुछ लिक्विड है, मे बी ऑयल है, एज्यूम कर दो मर्क्यूरी भी हो सकता है, यहां पे अभी हम बोल देंगे ऑयल है कुछ, तो यहां पे इज दैट क्लियर टू यू, ओके। तो इस बाउंड्री पे क्या होगा, प्यार से सुनो, पहले ये बाउंड्री वाला जो है ना गैस एंड ऑयल जहां पे मीट हो रहा है वहां पे मैंने एक डॉटेड लाइन निकाल दिया, दैट इज व्हाट आवर रेफरेंस लाइन, और इस हाइट को हमने बोल दिया एच, ओके नो।
अब देखो क्लास, फिर से वही नाटक। इस बाउंड्री पे गैस प्रेशर एक्ट होगा, तो ये जो प्रेशर एक्ट होगा वो पी ऑफ गैस बोल दूं, यस और नो क्लास। अब ये पॉइंट हम बोल देंगे ए पॉइंट और इस पॉइंट को हम बोल देंगे बी पॉइंट। सो वी नो दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। कोई रोकेगा मुझे? अरे लास्ट लेक्चर अगर आपने अच्छी तरह से देखा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, यस और नो। इवन हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी तो यूज कर दी थी, क्लियरिटी। सो पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए मतलब क्या? पी ऑफ गैस। पी बी मतलब क्या होगा? प्यार से देखो क्लास, ये इस रेफरेंस के ऊपर कुछ लिक्विड का कॉलम है, ऑयल कॉलम, तो उसका प्रेशर एंड उसके ऊपर क्या है, एयर कॉलम, दैट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पी बी इज नथिंग बट प्रेशर ड्यू टू ऑयल कॉलम प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, दैट इज व्हाट पी ओ। तो ऑयल कॉलम का आंसर क्या आ जाएगा? एच रो जी, एच रो ऑफ ऑयल, जो भी दिया होगा ऑयल उसका रो आपको गिवन होगा, एंड जी प्लस पी जीरो। सो हमें पी ऑफ गैस कैसे निकालना है वो अच्छी तरह से समझाए क्लास, यस और नो। देखो देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन लेना है ना, वो डेली रूटीन में हमने देखो हमारे घर पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जहां पे हम बात करते रहेंगे, वो हाइड्रोलिक है। मैं क्या निकालने, हाइड्रोलिक है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो वो हाइड्रोलिक वर्ड जहां जहां पे आता है ना, वहां वहां पे हमारा थर्ड एप्लीकेशन जो है, थर्ड थ्योरी पार्ट है, दैट इज कॉल्ड पास्कल लॉ अप्लाई होगा। सो व्हाट इज पास्कल लॉ? देखो क्लास, स्टेटमेंट क्या है पास्कल लॉ? क्या बोल रहा है? इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एन इनक्लोज फ्लूइड, इनक्लोज फ्लूइड पे अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, इट इज ट्रांसमिटेड, दैट प्रेशर गेट ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट्स, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड एज वेल एज वॉल्स ऑफ कंटेनिंग वेसल। मतलब क्या? देखो क्लास, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वॉट अ वेसल, इसमें इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है जो प्रेशर देने के बाद अरे लिक्विड ही कॉम्प्रेस हो गया तो वो हैंडल कैसे करेगा, तो क्षमता चाहिए ना उसकी, प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी चाहिए ना बेटा, तो कैसे टाइप का लिक्विड चाहिए? इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो ये वेसल है एंड इस पे अगर मैंने जो भी प्रेशर अप्लाई इस पॉइंट पे किया तो सब जगह पे फ्लूइड में सब जगह पे उतना ही प्रेशर ट्रांसमिट होगा, एज वेल एज ये जो वॉल्स है वहां पे भी उतना ही प्रेशर ट्रांसमिट होगा। सो पास्कल लॉ क्या बोल रहा है, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एन इनक्लोज फ्लूइड, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश टू ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लूइड्स एज वेल एज वॉल्स ऑफ कंटेनिंग वेसल। दिमाग में फिट हो चुका है? अब देखो डायरेक्टली हम स्टेटमेंट से ना एप्लीकेशन के ऊपर जाते, क्यों? बिकॉज हमारे डेली लाइफ में हाइड्रोलिक वर्ड हमने बहुत यूज किया। ये हाइड्रोलिक मतलब क्या? ये देखो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है ना, दैट इज व्हाट हाइड्रोलिक, हम वहां पे फ्लूइड यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, वॉट एवर बी द थिंग, दैट इज व्हाट इनकॉम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? तो हाइड्रोलिक का कुछ भी इशू आता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स ले लो, अपने फर्नीचर में हाइड्रोलिक्स थिंग ले लो, यस और नो क्लास, हाइड्रोलिक लिफ्ट ले लो, आप अगर गैराज में जाते हो तो कार को ऊपर उठाने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करते हैं ना, यस और नो क्लास, क्लियरिटी। तो इन सारे एप्लीकेशंस में देखो अगर कुछ भी वर्किंग हाइड्रोलिक ब्रेक्स बाइक में, कार में, ट्रक, सो इन सारे एप्लीकेशन में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे पहले वो मेंटेनेंस वाला क्या देखता है? अंदर का ऑयल चेक करता है। इज दैट क्लियर टू यू? ऑयल अच्छा है
इनकॉम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी मेंटेंड है तो नॉर्मली कुछ इशू नहीं आता, बट ऑयल अगर इनकॉम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी कम ज़्यादा हुई रहेगी या उसमें से अमाउंट कम ज़्यादा हो गया होगा ऑयल का, तो डेफिनेटली इशू क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले मेंटेनेंस वाला क्या देखता है, ऑयल। तो देखो क्लास, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, होता क्या है देखो, ये छोटू सा पिस्टन है जिसका एरिया है A1, और ये मोटू पिस्टन है जहाँ पे हमारा कारबीर रेस्ट करेगा, जिसको ऊपर हमें लेके जाना है ना, तो ये मोटू प्लेटफॉर्म है, पिस्टन है जिसका एरिया है A2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, यस और नो क्लास। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे P1 प्रेशर एक्ट होगा। तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट होगा वो लिक्विड में हर पार्ट्स में एज वेल एज वॉल्स ऑफ कंटेनर वो ट्रांसमिट करेगा, यस और नो क्लास। और वो थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही प्रेशर ट्रांसमिट करेगा, कब, जब इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तब। तो यहाँ पे समझो P2 प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो वीकेंड से जो P1 प्रोवाइड किया वही P2 होगा बिकॉज ऑफ पास्कल लॉ। सो हमें एक्सप्रेशन मिल गया P1 इज इक्वल टू P2 क्लियरिटी के साथ। अब P1 क्या है देखो, P1 का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इज दैट, और नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो ना, ये एरिया है तो नॉर्मल मतलब F1 ही होगा। सो यहाँ पे F1 अपॉन एरिया A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन एरिया A2। सो F2 इज इक्वल टू क्या हो गया क्लास, F1 इंटू A2 अपॉन A1, यस और नो क्लास। अब देखो हाँ क्लास, थोड़ा सा सोचो, ये एरिया है ना, समझो 10 यूनिट स्क्वायर का होगा और ये 100 यूनिट स्क्वायर का एरिया, मतलब इसके 10 टाइम्स है। तो A2 अपॉन A1 10 टाइम्स हो गया, सो व्हाट वी गेट, F2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स F1, मतलब मैं यहां पे जो F1 लगाऊंगा उसके 10 टाइम्स फोर्स मुझे यहां पे मिलेगा। मतलब मैंने यहां पे 1 न्यूटन लगाया तो मुझे यहां पे 10 न्यूटन मिलेगा, यहां पे 10 न्यूटन लगाया तो यहाँ पे 100 न्यूटन मिले, अरे हाँ ना तो बोल, मतलब 10 टाइम्स कन्वर्जन मिल रहा है। अगर एरिया ये मैंने 1000 किया होता तो मुझे क्या मिलता था क्लास, 100 टाइम्स ग्रेटर फोर्स मिलता था, यस और नो क्लास। तो देखो क्या मजे की बात हो जाएगी, इसीलिए छोटू सा लुकड़ा आदमी भी देखो ना कार को उठा देता है थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके, यस और नो क्लास। तो कितना सिंपल है देखो, पास्कल लॉ कितना इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हमने बहुत इसे यूटिलाइज किया है, इज दैट क्लियर टू यू। अब यहां से एक स्टेटमेंट क्या बनेगा देखो, हाँ क्लास स्टेटमेंट देखो, छोटू फोर्स ओवर छोटू एरिया गेट कन्वर्टेड इंटू मोटू फोर्स ओवर मोटू एरिया, बिकॉज रेशियो सेम है ना, प्रेशर मतलब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया का रेशियो है ना, तो रेशियो सेम होने के लिए यहाँ पे एरिया बढ़ गया तो फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा, और ये प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करते हैं हमारे एप्लीकेशंस में, इज दैट क्लियर टू यू। तो यहाँ पे आपको पास्कल लॉ अच्छी तरह से समझा है, सिमिलर फैशन में आप बहुत सारे एप्लीकेशन देखो यार, प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है ना इसी प्रॉब्लम को, तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट की जगह पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स बोल देंगे। सो और एक एप्लीकेशन क्या होगा, हाइड्रोलिक जैक भी तो हो सकता है, यस और नो। आपने कभी हाइड्रोलिक जैक यूज किया है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से एक फोर्स लगा तो कार ऊपर उठती है, और एक बार लगा तो और ऊपर उठती है, यस और नो क्लास। सो सिमिलर फैशन हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसा ही हाइड्रोलिक जैक भी हो सकता है, तो आपके प्रॉब्लम को कैसे भी कन्वर्ट कर लेंगे तो भी बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही होगा, क्लियरिटी के साथ समझा है। तो आपको आपको हाइड्रोस्टैटिक में देखो, हमने हाइड्रोस्टैटिक में पहले फ्लूइड मतलब क्या देख लिया था, उसमें हाइड्रोस्टैटिक में लिक्विड कॉलम का प्रेशर कैसे फाइंड करने का, H रो जी,
या दो लेवल के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा वो भी समझ लिया था, डेल्टा एच रो जी यस और नो क्लास क्लियरिटी के साथ। बाद में हमने क्या देखा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स देख लिया था कि जो हमें लगेगा वैसा होगा नहीं, इट डिपेंड्स ऑन हाइट ओनली, यस और नो, प्रेशर डिपेंड ऑन हाइट ओनली। बाद में क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा पहले मैनोमीटर, ओके नो, तो मैनोमीटर से टॉरेसिली ने हमें क्या सिखाया, बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना। उसके बाद बैरोमीटर, वहाँ से हम गैस का प्रेशर निकालना सीख गए, यस और नो क्लास। और लास्ट में दी अल्टीमेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्कल लॉ, बिकॉज आज के लाइफस्टाइल में हम पास्कल लॉ बहुत यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज हाइड्रोलिक के मशीनरीज हमारे आजू बाजू बहुत सारे हैं। इज़ दैट क्लियर टू यू? सो होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।